दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि रामायण युग में भगवान श्री राम का कोई भी काम हनुमान जी के सहयोग के बिना पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज के युग में भी बहुत से लोग मानते हैं कि अयोध्या में फिर राम मंदिर के निर्माण के पीछे भी हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज आपको आस्था के ऐसे चमत्कारों के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप बहुत हैरान रह जाएंगे। यह ऐसे चमत्कार हैं जिनका प्रमाण सरकारी दस्तावेजों में आज भी मौजूद है। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला चमत्कार अयोध्या के एक जज ने खुद महसूस किया था जब 38 साल पहले 1986 में राम मंदिर से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान एक वानर कोर्ट परिसर में आ गया। यह जज ने खुद महसूस किया और जब तक मंदिर के पक्ष में फैसला नहीं हो गया वो वानर वहीं कोर्ट परिसर में रुका रहा और बाद में जज साहब के घर भी पहुंच गया। आपको इसके बारे में विस्तार में आगे बताऊंगा, लेकिन आप सोचिए कि कितनी हैरानी की बात है कि जज साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने उस वानर को कोर्ट परिसर में वहां देखा था। जब तक फैसला नहीं हुआ वो वानर वहां से हिला ही नहीं और फिर उसके बाद वही वानर मुझे मेरे घर पर भी मिला। ये पूरा किस्सा आगे वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अभी आप दूसरा चमत्कारी किस्सा सुनिए। यह किस्सा अयोध्या पर आतंकी हमलों को नाकाम करने वाले वानरों को लेकर है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अयोध्या को कई बार वानरों ने आतंकी हमलों से बचाया है। यह घटनाएं खुद पुलिस के अधिकारियों ने अपनी आंखों के सामने देखी हैं। पुलिस अधिकारियों ने जो बताया उसके हवाले से आपको यह किस्सा भी बताऊंगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या में कैसे वानर सेना ने हजारों राम भक्तों की जान बचाई। दरअसल 1998 में कई आतंकी संगठन अयोध्या में ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके लिए आतंकियों ने हनुमान घड़ी मंदिर के परिसर में टाइम बॉम्ब लगा दिए। साल 1998 में अयोध्या में UPSTF को जानकारी मिली कि अयोध्या के हनुमान घड़ी में 18 किलो RDX छुपाया गया है। यूपी पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हनुमान घड़ी पहुंची और मंदिर को खाली करा दिया गया। उस समय UPSTF में इंस्पेक्टर रहे अविनाश मिश्रा के मुताबिक बॉम्ब डिस्पोजल टीम को लगा कि उसने सारे बॉम्ब डिफ्यूज कर दिए हैं, लेकिन तभी बॉम्ब डिस्पोजल दस्ते की यूनिफॉर्म में एक आतंकी पकड़ा गया और इसके बाद यह पता चला कि एक और जगह पर भी आतंकवादियों ने टाइम बॉम्ब लगाया हुआ है। वक्त बहुत कम था क्योंकि बम कभी भी फट सकता था। पूरी टीम चारों तरफ दौड़ी और मंदिर का कोना कोना छान मारा। हर एक गली की तलाशी ली गई पर बॉम्ब जैसा कुछ भी किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी सबने देखा कि वाटर कूलर पर बैठा एक बंदर एक बम के तार को चबाए जा रहा था जिससे बम डिफ्यूज हो गया। जो बम मिल नहीं रहा था उस बम के तार को एक वानर चबा गया और बम डिफ्यूज हो गया। उस दिन लोगों ने कहा कि खुद भगवान हनुमान ने अयोध्या को बचा लिया। STF ने इस घटना को अंजाम देने वाले चारों आतंकियों को भी गिरफ्तार कर लिया और आज उस समय UPSTF में इंस्पेक्टर रहे अविनाश मिश्रा का एक बयान सुनवाता हूँ। सुनिए उन्होंने क्या कहा। घड़ी बजरंगबली का ही प्रताप है क्योंकि बाकी हम लोग जो कर सकते थे वो हम लोग कर चुके थे। उसके बाद जो हुआ वो हनुमान जी ने ही किया। आपने देखा होगा सीधे में हम लोग जब पहुंचे जब तक वो डिस्पोजल हो चुका था उसका। देखा कि वो तार काट रहा है, वो तार का जब देखा कहाँ जा रहा तो फिर देखा कि एक तार वाटर कूलर से निकल रहा। तो क्योंकि वाटर कूलर से तार निकलने कोई मतलब है नहीं तो ये हुआ कि यही होगा। डॉग स्क्वाड वो बम स्क्वाड साथी था जी, उसको बोला भाई वाटर कूलर देखो यार। तो उसने जाके जब चेक किया उसने कहा सर ये तो डिफ्यूज हो चुका है पहले। और फिर जब उधर नज़र डाली गई ऊपर तो बंदर हनुमान जी अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गए। दोस्तों, सुनने में बात बहुत अजीब लगती है लेकिन ये हुआ है। अयोध्या में हुई इस घटना की खबर को कभी किसी अखबार या न्यूज चैनल में नहीं दिखाया गया क्योंकि उस समय अयोध्या बहुत संवेदनशील स्थान माना जाता था और देश भर में सुरक्षा कारणों को देखते हुए इस घटना के बारे में लोगों को बताया ही नहीं गया। लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि श्रीराम की वानर सेना ने अयोध्या के लोगों को एक तरह से बॉम्ब ब्लास्ट से बचा लिया। दोस्तों, अयोध्या में भगवान राम के चमत्कारों को लेकर एक नहीं
बल्कि हजारों किस्से देखने को मिले हैं। ऐसा ही एक और किस्सा साल 2005 से जुड़ा हुआ है, जब एक बार फिर से अयोध्या का मंदिर आतंकवादियों के निशाने पर था। 5 जुलाई 2005 को 5 आतंकियों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया। तब जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकी एक सफेद जीप में सवार होकर आए। आतंकियों की जीप आरडीएक्स से भरी हुई थी। आतंकियों ने जीप को मंदिर के पास खड़ा कर दिया। जीप में धमाका होते ही वहां दहशत फैल गई। इस धमाके में मची अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए आतंकी मंदिर के बहुत करीब तक आ गए। आतंकियों ने फायरिंग करते हुए मंदिर पर हाथ गोले फेंके, रॉकेट दागे, लेकिन उनके हमले में मंदिर को नुकसान नहीं हुआ। इतनी देर में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू की और एक एक करके सारे आतंकी मारे गए। एक आतंकी मानव बम बनकर आया था। गोलीबारी के दौरान उसके चीथड़े उड़ गए। इस भयंकर आतंकी हमले में मंदिर परिसर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। 2005 में हुए इस हमले में जो भी हुआ वो भी एक चमत्कार से कम नहीं था। अयोध्या के संत स्वामी करपात्री महाराज बताते हैं कि जब उन्हें इस बात का पता चला तो उस समय अपने गुरु के आदेश पर वो हनुमान गढ़ी पहुंचे और बजरंग बली से तुरंत कोई चमत्कार करने की गुहार लगाई और तुरंत ही चमत्कार हो गया। स्वामी करपात्री के मुताबिक आतंकी अपने ही हथ गोलों के शिकार हो गए। संतों और तत्कालीन पुलिस अफसरों की माने तो एक बार फिर अयोध्या में जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था और प्रभु की कृपा ने अयोध्या को बचा लिया। रामनगरी एक बार फिर दहलने से बच गई और बजरंग बली ने राम भक्तों को बचा लिया। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर एक और वानर का प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है। अयोध्या के लोग मानते हैं कि 1986 में श्री राम के दूत काले वानर की दिव्य प्रेरणा से ही राम जन्मभूमि का ताला खुला था। आश्चर्य की बात यह है कि राम मंदिर से जुड़े केस में फैजाबाद कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई जजों ने माना कि इस केस में कोई दैवीय शक्ति थी जो उन्हें प्रेरित कर रही थी। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला अदालत में राम मंदिर जन्मभूमि के ताले खुलवाए जाने की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट में फैसला सुनने के लिए पुलिस प्रशासन और आम लोगों की खचाखच भीड़ थी, लेकिन सबकी नजर इन सब को छोड़कर एक वानर पर टिकी हुई थी। इस केस की सुनवाई फैजाबाद के जिला जज रहे कृष्ण मोहन पांडे कर रहे थे। कोर्ट का फैसला लिखते वक्त जज साहब को उस काले वानर में बजरंग बली की झलक दिखाई दी। इसके बाद जज कृष्ण मोहन पांडे ने राम मंदिर पर लगा ताला खोलने का आदेश दे दिया था। यह बात खुद जज मोहन पांडे ने लिखित रूप से बताई थी। अयोध्या केस में चमत्कार होने का जिक्र राम मंदिर का फाइनल जजमेंट सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई भी कर चुके हैं। अपनी किताब जस्टिस फॉर द जज में उन्होंने लिखा है कि कोई दैवीय शक्ति थी जो उन्हें इस केस को खत्म करने के लिए प्रेरित कर रही थी। यह बात चीफ जस्टिस रह चुके रंजन गोगोई ने खुद लिखी है। 3 महीने की उस सुनवाई के दौरान पीठ में शामिल किसी भी जज ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। किसी जज को बुखार या सर्दी तक नहीं हुई। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी केस की लंबी सुनवाई के दौरान पूरी बेंच के सभी जज कोई छुट्टी ना लें। अयोध्या मामले पर आए इस ऐतिहासिक फैसले के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और अब पूरे देश को 22 जनवरी का इंतजार है, जब देश के करोड़ों सनातनी अपने भगवान को मंदिर में विराजमान होते हुए देख पाएंगे। तो दोस्तों, राम मंदिर के इतने सालों के संघर्ष पर आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके तो वीडियो को अपने बंधु बांधवों के साथ साझा जरूर करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रोज का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।